पंजाब विधानसभा चोणों नूं लैके सरगर्मियां तेज हो गईआं ने। आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बसपा नेता अपने पत्ते काफ़ी हद तक खोल दिते ने। वड्डी गिणती दे विच उम्मीदवारां नूं टिकटां वी जिहड़ियां हैगीआं ने उह ऐलान दित्तियां ने, कुछ कु रहि वी गईआं ने, पर कांग्रेस ने हाले भेत बरकरार रख्या होया सी। पर तुहानूं दस दईए, वड्डी खबर हुण इह निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस भी छेती ही पहली सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस हाईकमान पंजाब दे विच उम्मीदवारों नूं लैके अपनी पहली सूची छेती जारी कर सकती है। इस सूची दे विच लगभग 50 नाम हो सकते हैं। खबर यह भी निकल के सामने आ रही है, लगभग 90% मौजूदा विधायकों नूं टिकटां मिलणगियां ते एक दर्जन अजे भी विधायक ने, अजे भी उन्हां विच मंत्री ने जिन्हां दे उत्ते दोष लग रहे ने कई तरह के, उन्हां दीआं टिकटां कटियां भी जा सकदियां ने। इन्हां दे विच कई दोष अजे भी ने, कोई रेत माफिया दे विच, कई किसे तरह के माफिया दे विच शामिल है, इस करके उन्हां दीआं टिकटां कटियां जा सकदियां ने। पर छेती ही कांग्रेस हाईकमान हुण सूची जारी करन जा रही है। लगभग 50 नाम हो सकते हैं उस सूची दे विच ते 90% मौजूदा विधायकों नूं जिहड़ी टिकटां हैगियां ने उह मिल सकदियां ने। पर नाल ही तुहानूं दस दईए, एक पासे जिथे सूची छेती जारी होने जा रही है, दूजे पासे खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कई विधायक तो चाहते ने कि हुण वह अपनी सीट, अपना हलका बदलन, मतलब कि जितों वह चोण लड़े ने वह चाहते ने कि हुण उतों चोण ना लड़ी जाए दूजे हल्के दे विच, क्योंकि सत्ता विरोध दा उन्होंने लगता है कि किते ना किते सामना करना पै सकता है। इस करके उन्होंने अंदर किते ना किते यह डर यह पै भी है। सत्ता विरोध का पूत कांग्रेस के करीब एक दर्जन विधायकों नूं सता रहा है, जिस दे विच तीन मंत्री भी शामिल हैं। इस डर के कारण ये मंत्री ते विधायक अपना अपना हलका बदलना चाहते हैं, पर उन्होंने रस्ते दे विच हुण पार्टी के सूबाई प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, क्योंकि सिद्धू लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि वह किसी नूं भी अपना हलका नहीं बदलन देंगे। हलका बदलन के चाहवान विधायकों के विच सब तो ज्यादा मालवा खेतर नाल जुड़े हुए ने। मनप्रीत सिंह बादल बठिंडा की थां खरड़ तो चोण लड़न दे इच्छुक, सीट बदलन की इच्छा रखने वालों दे विच वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि उन्हां सिर्फ अपने विधानसभा खेतर बठिंडा तो ही टिकट लई अपलाई किया है, पर चर्चा है कि मनप्रीत सिंह चाहते हैं कि वह बठिंडा की थां खरड़ सीट तो चोण लड़न, क्योंकि खरड़ सीट उत्ते कांग्रेस के उम्मीदवार ते साबका मंत्री जगमोहन सिंह कंग साल 2017 दे विच कांग्रेस की चोण हार गए सन। विजय इंद्र सिंगला की संगरूर की थां बरनाला जां मानसा उत्ते नजर, उत्थे कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला भी संगरूर की थां बरनाला जां मानसा उत्ते नजर टिकाए बैठे ने। सिंगला ने इस बार कांग्रेस तो टिकट दे लई अपलाई भी नहीं किया। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा फतेहगढ़ चूड़िया की थां बटाला तो चोण लड़न के चाहवान। इस तरह कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा भी फतेहगढ़ चूड़िया की थां बटाला तो चोण लड़ना चाहते हैं। बाजवा ने भी टिकट लई अपलाई नहीं किया। बाजवा की बटाला तो चोण लड़न की इच्छा जग जाहर है। बलुआणा तो विधायक नत्थू राम की मलोट ते अमरगढ़ तो विधायक सुरजीत धीमान की सुनाम के उत्ते अख। सीट बदलन की लाइन के बलुआणा तो विधायक नत्थू राम ते उन्होंने नेड़ले दोस्त अमरगढ़ तो विधायक सुरजीत मान भी शामिल हैं। नत्थू राम ने मलोट सीट तो भी टिकट लई अपलाई किया है, जबकि यही स्थिति धीमान की है। उन्होंने सुनाम तो टिकट लई अपलाई किया है। सुरजीत धीमान अमरगढ़ की सीट अपने बेटे जसविंदर धीमान नूं देना चाहते हैं। हालांकि पार्टी पहला ही फैसला कर चुकी है कि विधानसभा चोणों के एक परिवार तो एक ही व्यक्ति नूं टिकट दिती जाएगी। रमिंदर आवला जलालाबाद की थां गुरहर सहाय तो चोण लड़न के इच्छुक। जलालाबाद के विधायक रमिंदर आवला गुरहर सहाय तो चोण लड़ना चाहते हैं। आवला किस्मत के तनी भी लग रहे ने, क्योंकि गुरहर सहाय तो कांग्रेस के विधायक ते साबका मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पार्टी छड़ के भारतीय जनता पार्टी के जा चुके ने। रमिंदर आवला के लिए इस लिए भी मुश्किल सी, क्योंकि उन्हों का मुकाबला अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे नाल होना सी, इसलिए वह पहला तो ही सीट बदलन की कवायद कर रहे सन।
फिरोजपुर देहाती दी सत्कार कौर जैतो ते मलोट दे अजायब सिंह पट्टी बठिंडा रूरल तो चोण लड़न दे चाहवान। विधानसभा खेतर बदलन दी दौड़ दे विच फिरोजपुर देहाती दी विधायक सत्कार कौर ते मलोट तो विधायक ते डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह पट्टी भी शामिल ने। सत्कार कौर जैतो तो ते अजायब सिंह पट्टी बठिंडा रूरल तो चोण लड़ना चाहते ने। इन्हां ने इन्हां सीटां तो भी टिकटां लई अपलाई कीता है। बठिंडा रूरल दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने हरजिंदर लाडी नूं उम्मीदवार ऐलानिया। टिकट वंड दे विच जेकर सिद्धू दी चली तां किसे भी उम्मीदवार नूं हलका बदलन दी इजाजत नहीं दित्ती जावेगी। सो तुहानूं दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कांग्रेस हाईकमान दे उत्ते दबाव बना रहे ने कि सीएम दा चेहरा ऐलानिया जावे, अनाउंस किया जावे, तां जो लोकां नूं पता होवे कि किहड़ा सीएम बनेगा कांग्रेस दे वल्लों ते उसका एजेंडा की होगा, पंजाब के मसले किवें हल कर सकता है। पर यह भी खबर ने कि कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू अगे चुक भी सकती है, क्योंकि हुण तक नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़ियां भी मंगा कांग्रेस हाईकमान के अगे रखियां ने, कांग्रेस हाईकमान ने वह मंगा मंजूर कीतियां ने। भावें पंजाब के डी जी पी का मसला होवे जां कोई होर मसला होवे, उन्हां मसलियां नूं कंसीडर किया कांग्रेस हाईकमान ने। इस करके इस मंग के अगे जे कांग्रेस हाईकमान सिद्धू अगे चुकती है तो कांग्रेस के नवा कलेष देखने मिल सकता है। सीएम चन्नी की नाराजगी भी देखने मिल सकती है। सीएम चन्नी के नाल नाल जिहड़े होर सीनियर सियासतदान ने उन्होंने भी नाराजगी देखने मिल सकती है, क्योंकि सुनील जाखड़ होर ने बीते दिन ही यह गल आखी सी कि कांग्रेस की रवायत नहीं कि सीएम के चेहरे के उत्ते चोण लड़ी जाए, सांझी लीडरशिप के उत्ते जिहड़ी चोण हैगी है वह लड़ी जानी चाहिए है। हुण देखना बड़ा दिलचस्प होएगा कि पंजाब कांग्रेस के कांग्रेस हाईकमान की सीएम का चेहरा देवेगी चोणों तो पहला।